आपका स्वागत है। जम्मू कश्मीर में देश विरोधी नारे लगने अब आम हो गए हैं। हर छोटी छोटी बात पर आजादी के नारे लगाए जा रहे हैं। गुरुवार की शाम श्रीनगर हवाई अड्डे पर हज यात्रियों की फ्लाइट की लैंडिंग होनी थी, लेकिन लैंडिंग में थोड़ी देर क्या हुई, बाहर इकट्ठा सैकड़ों का हुजूम आजादी के नारे लगाने लगा। आधे घंटे तक एयरपोर्ट के बाहर जमकर देशी विरोधी तांडव होता रहा। सवाल ये है कि आखिर सरकार और सिस्टम इतनी लाचार और पंगु क्यों साबित हो रही है। अलीगढ़ जिले के बन्ना देवी थाना इलाके में एक घर में जोरदार ब्लास्ट होने से दो लोगों की मौत हो गई, जबकि सात लोग गंभीर रूप से घायल हैं। घायलों को इलाज के लिए अलीगढ़ जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना बीमानगर कॉलोनी की है। बताया जा रहा है कि जोर के धमाके के साथ एक घर पूरी तरह धराशायी हो गया। धमाका इतना जोरदार था कि आसपास के 12 से 15 घरों को नुकसान पहुंचा है, जिसमें चार मकान को सबसे ज्यादा क्षति पहुंची है। बताया जा रहा है कि सिलेंडर फटने से धमाका हुआ है। हालांकि पुलिस तमाम बिंदुओं पर जांच की बात कर रही है। जम्मू कश्मीर के शोपिया जिले के तुर्कवंगम इलाके में आतंकियों की मौजूदगी की खबर के बाद सुरक्षा बलों ने व्यापक रूप से कॉम्बिन ऑपरेशन शुरू किया। ऑपरेशन में सेना के 44वीं राष्ट्रीय राइफल्स, सीआरपीएफ के 44वीं बटालियन और जम्मू कश्मीर पुलिस भी शामिल है। पिछले दिनों शोपिया में हिजबुल के दो बड़े आतंकियों को ढेर कर दिया गया था, जिसके बाद आतंकी घटना में बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में है। इसी बीच सुरक्षा बलों को तुर्कवंगम इलाके में कुछ आतंकियों की मौजूदगी की खबर भी मिली, जिसके बाद ज्वाइंट कॉम्बिंग ऑपरेशन शुरू किया गया। जम्मू कश्मीर के कैजुअल फिशरीज मजदूरों ने अपने अधिकारों और बकाए वेतन की मांग को लेकर कुपवाड़ा में विरोध प्रदर्शन किया है। कैजुअल मजदूरों का कहना है कि महकमे के वरीय अधिकारी उनके साथ दोयम दर्जे का सलूक करते हैं। दफ्तरों में दाखिल होने पर उन्हें फटकारा जाता है। इतना ही नहीं, मजदूरों ने ये भी कहा कि कैजुअल मजदूरों को पिछले 2 से 3 सालों को महकमा वेतन नहीं दे रहा है, जबकि सरकार लगातार वेतन भेजने का दावा कर रही है। मजदूरों का कहना है कि पिछले 15 सालों से तमाम कैजुअल मजदूर काम कर रहे हैं, इसके बावजूद उन्हें नियमित तक नहीं दिया गया। हम इसलिए यहाँ पर धरने पे बैठे हैं कि पिछले 1-2 साल से हमें तनख्वाह मुआवजा नहीं की गई है। हम आप में फिशरीज कैजुअल लेबर यूनियन से वाबस्ता हैं। हमारे ये सारे लड़के हमारे साथ हैं। पिछले 2 साल से हमें तनख्वाह मुआवजा नहीं की गई है, जबकि हुकूमत कह रही है कि बार बार हमने तनख्वाह इनके लिए भेजी है।
फंड्स रिलीज किए, फिर कहाँ गए हमारे फंड्स? अगर दूसरे डिपार्टमेंट में तनख्वाह केजी लेबर को मिल रही है तो हमें क्यों नहीं मिलता है? जबकि केजी लेबर दिन रात चुगनी करके ड्यूटी देता है, टेबल साफ करता है, घास निकालता है, और उसी केजी लेबर को दफ्तर में आने के लिए इजाजत भी नहीं है। उसको दफ्तर में वो सीनियर मुलाजिम रेस्पेक्ट भी नहीं करते हैं। आखिर क्या हाल है? हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं, महबूबा जी से मुतालबा करते हैं कि 61,000 केजी लेबरों का जो मामला है वो जेर गौर जल्दी लाया जाए। और हम केजी लेबर जो आकर किसी पर मजबूर हो रहे हैं, हमारे घरों में दो वक्त की रोटी भी नहीं पक रही है, चूल्हा नहीं चल रहा है। हम आपसे मुतालबा करना चाहते हैं, आपकी वसादत से, हुकूमत से, कि पूरी तौर हमारी इस मसले को देराना मसले को हल किया जाए और केजी लेबर को वो अपना जो मुकाम अपने दफ्तरों में अपने अफसरों और अपने मुलाजिम पास बराबर मिलना चाहिए, क्योंकि वो हमें उस नज़र से भी नहीं देखते हैं। जब हम दफ्तरों में जाते हैं हमें नीच नज़र से देखा जाता है। काम के लिए हम होते हैं हाजिर, 24 घंटा केजी लेबर ड्यूटी देता है, और हम तनख्वाह अभी हुकूमत से ये गुजारिश कर रहे हैं कि कम से कम हमें तनख्वाह वापस किया जाए। जम्मू कश्मीर के शोपिया जिले में ओवरलोडिंग और ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन को लेकर आरटीओ के निर्देश पर सघन जांच अभियान चलाया गया। चेकिंग के दौरान कई वाहनों में खामियां पाई गई। 250 से ज्यादा गाड़ियों के चालान भी काटे गए, जिसमें 2,32,000 रुपए की वसूली भी की गई। इसके साथ 5 सवारी वाहनों को सील भी किया गया। चेकिंग के दौरान माइनिंग के काम में अवैध रूप से लगे वाहनों को भी जब्त किया गया। कंटिन्यूस ड्राइव होता है यहाँ पे, चेकिंग रिगार्डिंग वायलेशन ऑफ द मोटर व्हीकल एक्ट की जितने भी वायलेशन होते हैं। आज का तो पर्टिकुलरली हमारे पास कुछ शिकायतें आई है कि यहाँ पे एक्सक्यूशन जो है, जो ट्रैक्टर इंस्पेक्टर जो हमने रिस्ट्रिक्ट किया था उनको मार्केट में जाने के लिए, और एक्सक्यूशन जहाँ जहाँ पे इनको जो अनरजिस्टर्ड व्हीकल्स हैं ये अनएक्सट्रैक्टेड सैंड लेते हैं, बाजरी लेते हैं और डिफरेंट नाला से उनको हमने। उत्तराखंड के रुड़की जिले के भगवान ब्लॉक में ग्राम प्रधानों का धरना अभी भी जारी है। हालांकि ग्राम प्रधानों का धरना शांतिपूर्ण होने से ब्लॉक का काम प्रभावित नहीं हो रहा है। गौरतलब है कि प्रदेश सरकार ने 14वें वित्त आयोग के बजट में आधे से ज्यादा की कटौती कर दी है, जिसके विरोध में ग्राम प्रधान आंदोलन कर रहे हैं। पिछले दिनों ग्राम प्रधानों ने भगवानपुर ब्लॉक कार्यालय पर तालेबंदी कर घंटों प्रदर्शन किया। प्रशासन के वरीय अधिकारियों के आग्रह के बावजूद ग्राम प्रधान डटे रहे, जिसके बाद ज्वाइंट मजिस्ट्रेट को कानूनी कार्रवाई की चेतावनी भी देनी पड़ी। इधर धरना में शामिल ग्राम प्रधानों का कहना है कि जब तक उनके मांगों पर सरकार ठोस भरोसा नहीं देती तब तक ये धरना जारी रहेगा। रुड़की में बेखौफ बदमाशों ने दिन दहाड़े एक ठेकेदार से लूट की बड़ी वारदात को अंजाम देकर पुलिस को खुली चुनौती दी है। घटना गंग नहर कोतवाली इलाके के रामनगर की है। बताया जा रहा है कि एक लेबर ठेकेदार अपने मजदूरों को वेतन देने के लिए अपनी पल्सर बाइक से साइट पर जा रहा था। इसी बीच कुछ बदमाशों ने रास्ते में रोककर उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। मारपीट के बाद बदमाश उसका पल्सर बाइक और जेब से करीब 8,000 रुपए लेकर फरार हो गया। मारपीट में वो बुरी तरह जख्मी भी हो गया, उसके सिर में भी काफी चोटें आई। इधर पुलिस पूरे मामले को संदिग्ध मान रही है। हालांकि पुलिस ने जांच के बाद जल्द ही मामले के खुलासे का दावा किया है। अभी के लिए बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए फास्ट इंडिया न्यूज़। नमस्कार।